गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ट्रांसलेशन का ये अगला दिन है और हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आता है। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आता है। सिंपल सेंटेंस का अगर हम अनुवाद बनाते हैं तो उसका नियम कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर विल हैव या शैल हैव लगाते हैं और क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लिख देते हैं। इस तरह से हमारा पहला रूल हुआ कर्ता, उसके बाद विल हैव या शैल हैव, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, कर्म और अन्य शब्द। जैसे राम विद्यालय जा चुका होगा, बनेगा राम सिंगुलर है, इसके साथ हम विल हैव लगाएंगे तो बनेगा राम विल हैव गॉन टू स्कूल। बहुत सिंपल है। आई और वी के साथ शैल हैव लगाएंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस नेगेटिव हो तो लिखेंगे सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर विल या शैल लिखेंगे, फिर नॉट इंसर्ट करेंगे और हैव लगाएंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लिखते हैं। जैसे राधा बाजार नहीं जा चुकी होगी, क्या बनेगा? राधा बाजार नहीं जा चुकी होगी। इसमें राधा सबसे पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट है राधा, विल नॉट हैव, नॉट को विल और हैव के बीच में हमने इंसर्ट किया। राधा विल नॉट हैव गॉन, थर्ड फॉर्म, गॉन टू मार्केट। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव का। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस आपका अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो अगर सेंटेंस क्या से शुरू है तो उसको विल या शैल से शुरू करेंगे। फिर लिखेंगे कर्ता यानी सब्जेक्ट लिखेंगे, और नॉट है तो यही इंसर्ट करेंगे, नॉट इंसर्ट कर दिया, फिर हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स और इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क। जैसे और प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आने पर उसकी अंग्रेजी हम विल या शैल से भी पहले लिखते हैं। जैसे इसका बनेगा क्या रामू एक निबंध लिख
चुकेगा? क्या रामू एक निबंध लिख चुकेगा? बनेगा। अच्छा, इसमें नॉट छूट गया है, नहीं लिख चुकेगा, यहां कर देते हैं। विल रामू नॉट हैव रिटन एन एसे इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क? इस तरह से बनाएंगे प्रश्नवाचक सेंटेंस। अब हम पूरे रूल को एक बार रिवाइज कर देते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आता है। सिंपल सेंटेंस में अनुवाद बनाते समय सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर विल हैव या शैल हैव हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स लिखते हैं। जैसे राम विद्यालय जा चुका होगा, राम विल हैव गॉन टू स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस में विल और शैल के बाद हैव के बीच में नॉट इंसर्ट करते हैं। राधा बाजार नहीं जा चुकी होगी, राधा विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हम विल या शैल पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। क्या रामू एक निबंध लिख चुकेगा? विल रामू नॉट हैव रिटन एन एसे? क्या रामू एक निबंध नहीं लिख चुकेगा? विल रामू नॉट हैव रिटन एन एसे? तो ट्रांसलेशन का ये अगला क्लास था, हम फिर अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।